हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कच्चे आम को मैंने छीलकर इसे पीसेस में कट कर लिया है। चीनी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सौंफ, मंगरेल, अजवाइन, मेथी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और तेल। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, मेथी, अजवाइन, मंगरेल और सौंफ, और इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आम और इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे मैंने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी, चीनी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। आम अच्छे से पक गया है। अब इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है। मैंने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। चटनी बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।